हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम जा रहे एक नया एक्टिविटी करने, उसका नाम है केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है, इसमें जो है एक केस दिया जाएगा आपको। कहने का मतलब है मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, नैरेट करूंगा, आपको उस स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनना है, हर एक वर्ड को अच्छे से सुनिएगा। और स्टोरी सुनाने के बाद मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आपको तीन जो है ऑप्शन दूंगा। उस तीन ऑप्शन में से तीन या चार ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसमें से आपको एक फाइंड करना है आंसर, कंक्लूजन पे आना है कि क्या होगा इसका आंसर। अब इस एक्टिविटी को क्यों करते हैं, क्या फायदा है इस एक्टिविटी को करने से, ठीक है। देखिए, इसको करने से फायदा यह है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर चेक होगा, कि आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं, अपना ब्रेन पावर बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब कि आप जो सोचने की शक्ति है, आप कोई चीज को सोच पाते हो कि नहीं, उसके कंक्लूजन पे आ पाते हो कि नहीं, इसका आपको चेक करने का मौका मिलेगा। और आपका जो है कोई भी चीज को आप एनालाइज करते हो कि नहीं करते हो, थिंकिंग पावर है, ये जो है स्किल आपका डेवलप होगा, ठीक है। सो मैं जा रहा हूं ये स्टोरी सुनाने, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गाइस, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक इंसान है जो कि मैरिड है और उसका नाम होता है बिल क्लिंटन, की वाइफ का जो नाम है वो है एलिजाबेथ। ये जो दोनों गाइस है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो बिल क्लिंटन है वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उससे जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इनकी शादी की 3 से 4 साल हो गए हैं, ठीक है ना। सो ये लोग जो है अपना लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है गाइस कि जो बिल क्लिंटन की जो वाइफ है उनको एक डिजीज हो जाता है, ऐसा डिजीज जो बड़ा ही कम पाया जाता है, करोड़ों में से एक ही लोग को ये डिजीज होता है, वैसा डिजीज इनको हो जाता है, इनकी वाइफ को, एलिजाबेथ को। और वो डिजीज का कोई भी वैक्सीन, कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं पूरे दुनिया में, समझ में आ रही बात को। और ये जो बीमारी है ऐसा है कि इससे कभी भी मौत हो सकती है। सो एलिजाबेथ को ये जो बीमारी हो जाती है तो वो क्या है, जो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, इनके एक फैमिली मेंबर में जो एक डॉक्टर होते हैं उनसे ये बातचीत करते हैं, पता चलता है कि इनकी बीवी जो है इस डिजीज से सफर कर रही है, और ये ऐसा डिजीज है कि इनकी मौत 15 दिन में भी, महीने के अंदर भी मौत हो सकती है। कहने का मतलब कभी भी इनकी मौत आ सकती है, ठीक है ना। सो अब ये घबरा जाते हैं और कोई भी इसका वैक्सीन नहीं होता है मार्केट में, तो ये जो डॉक्टर लोग है क्या है उस पर रिसर्च करते हैं इस डिजीज पे, और उन लोग जो है वैक्सीन का डिस्कवर कर लेते हैं। बट जो वैक्सीन वो होता है वो अराउंड 1 करोड़ का होता है, बड़ा ही महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बीमारी है जो बड़ा ही करोड़ों में एक को होता है। जब पता चलता है बिल क्लिंटन को कि 1 करोड़ रुपया दाम है वैक्सीन का, वो कहां से इंतजाम करेगा? बिल क्लिंटन के पास 3 से 4 ऑप्शन है वो क्या कर सकता है, ठीक है ना। अब बिल क्लिंटन क्या करेगा, क्या वो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा? क्यों मरने के लिए छोड़ देगा अपनी बीवी को? क्यों? क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपए है ही नहीं, वो कहां से इंतजाम करेगा? मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है, समझ में आ रही बात को। पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि वो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा, और वजह भी बताया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो कहां से इंतजाम करेगा। दूसरा, क्या वो वैक्सीन को हॉस्पिटल से चुरा लेगा? क्यों? क्योंकि पैसा इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी से बड़ा ही ज्यादा प्यार करता है, सो वो क्या वैक्सीन को चुरा लेगा हॉस्पिटल से, क्योंकि बीवी को उसको बचाना है, ठीक है ना। या तो ये भी हो सकता है कि वो चुराएगा नहीं तो क्या करेगा, सोशल मीडिया से मदद मांगेगा, किसी एनजीओ से मदद मांगेगा, अपने फैमिली मेंबर से मदद मांगेगा, क्या मांगेगा? सो आपको आंसर फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन पूछ लिया हूं कि वो क्या करेगा, ठीक है ना। सो मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, किसी से हेल्प मत लीजिएगा, अपने आपको चेक कीजिए क्या आप आंसर फाइंड कर पाते हैं कि नहीं, और उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है ना। यस गाइस, सो अब टाइम आ गया है आंसर बताने का। क्वेश्चन क्या था कि वो क्या करेगा आखिर बिल क्लिंटन? सो वो ये करेगा कि वो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा। यस, आई एम राइट, वो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा। अब आप लोग पूछोगे सर कि क्यों वो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा, इतना वो अपनी बीवी से प्यार करता है, सो वैक्सीन को वो चुरा लेगा। अब मैं बताता हूं अगर वो वैक्सीन को चुराएगा तो क्या होगा। पहली बात ध्यान में रखिए आप कि वो वैक्सीन जो है उसका दाम है अराउंड 1 करोड़, सो वो जो है रोड के किनारे नहीं रखा हुआ रहेगा वैक्सीन, वो हाई सिक्योरिटी, एकदम पूरा टाइट सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ रहेगा वैक्सीन। सो वहां पे जो है बहुत ही कम चांस है कि वो वैक्सीन को चुरा सकता है, मान के चलिए कि वो कोई भी प्रयास करके वो जो है वो वैक्सीन को चुरा लेता है। बट
आप जान रहे हैं कि वो इंडिया का नहीं है, नाम है बिल क्लिंटन। आप ये मत बोलिएगा कि सर इंडिया में भी तो बहुत लोग का नाम होता है बिल क्लिंटन, पीटर, ये सब रख लेते हैं, जॉन, तो वो रख लेते हैं, इंडियन नाम नहीं है, इंडियन का नाम कुछ और है। सो वो जो है अमेरिका का है या कोई भी फॉरेन कंट्री का है वो बिल क्लिंटन। और आप जान रहे हैं कि फॉरेन कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां का प्रोटोकॉल क्या होता है, वहां की पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर बिल क्लिंटन को ढूंढ लेगी। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़े रकम का वैक्सीन चुराया है और उसे जेल में डाल दिया जाएगा ऑलमोस्ट 20 साल 30 साल 40 साल के लिए, समझ में आ रही बात को? सो ये दिक्कत हो जाएगा उसके लिए, तो ऑलमोस्ट क्या है कि उसकी बीवी तो ऐसे भी मरी जाएगी, समझ में आ रही। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वहां पे जो है सर वो सोशल मीडिया से इंतजाम कर सकता है। आप ही बोलिए, आप जो अगर वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा पोस्ट या वीडियो, कोई मदद करेगा? 1 करोड़ पे ही पे है। आप ही लोग जो है दिन में 10 वीडियो देखते हो जो मदद का आता है कि मेरे बेटे को ये है, मेरे बच्चे को ये बीमारी है, प्लीज मदद कीजिए, डोनेट कीजिए। क्या आप मदद करते हो? 1 रुपया भी आप डोनेट नहीं करने जाते हो। बहुत कम लोग है जो करते हैं, बट सब नहीं करते, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो कहां से करेगा? 1 करोड़ रुपया कौन देगा? उसके फैमिली मेंबर देंगे? 1 लाख रुपया आजकल कोई नहीं देता, आपके रिश्तेदार लोग कहां से देंगे? एनजीओ लोग कहां से 1 करोड़ रुपया देगा? बात यहाँ पे ये है। सो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कुछ करे। सो क्या करेगा? वो अपनी बीवी को जो है मरने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं होप करता हूं गाइस कि ये आपको अच्छा लगा होगा एक्टिविटी। अगर आपको ये अच्छा लगा सो आप जरूर से कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर से बताइएगा। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।